क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हिंदुस्तान न्यूज 24 और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। आईपीएल 2019 शुरू होने से पहले घरेलू क्रिकेट सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2019 में भारतीय बल्लेबाज अपना दम दिखाना शुरू कर दिए हैं। जी हां, पहले दिन श्रेयस अय्यर और चेतेश्वर पुजारा ने विस्फोटक बल्लेबाजी कर शानदार शतक जड़ा। वहीं दूसरे दिन झारखंड की तरफ से युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने भी तूफानी शतक जड़, साबित कर दिया है कि विस्फोटक बल्लेबाजी के मामले में ऋषभ पंत को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। इसके अलावा आंध्रा की तरफ से नागालैंड के खिलाफ रिक्की भुई ने भी शानदार बल्लेबाजी कर मात्र 38 गेंद में शतक जड़ दिया। रिक्की ने अपनी इस बेहतरीन पारी में 42 गेंद पर 10 छक्के और 5 चौके के साथ नाबाद 108 रन बनाए। बात करें झारखंड के विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन की, तो उन्हें भारतीय टीम में महेंद्र सिंह धोनी की जगह ऋषभ पंत का प्रतिद्वंदी के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि ऋषभ पंत भारतीय टीम में शामिल हो चुके हैं, लेकिन माना जा रहा है ईशान किशन भी धोनी का एक अच्छा विकल्प साबित हो सकते हैं। सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी के दूसरे दिन झारखंड की तरफ से जम्मू कश्मीर के खिलाफ ईशान किशन ने शानदार बल्लेबाजी कर 55 गेंद में शतक जड़ दिया। अपनी इस बेहतरीन पारी में किशन ने 8 चौके के अलावा 7 शानदार छक्के जड़े। खास बात यह है कि किशन ने छक्के के साथ ही अपना शतक पूरा किया। किशन की इस धमाकेदार पारी की बदौलत झारखंड ने जम्मू कश्मीर को 9 विकेट से हराकर शानदार जीत दर्ज की। किशन इस मुकाबले में पूरे आत्मविश्वास के साथ खेलते नजर आए। उनकी बल्लेबाजी में अब पहले से कहीं ज्यादा आक्रामकता आ चुकी है। आईपीएल में मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलने वाले ईशान किशन आईपीएल मैचों में भी अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी का जलवा बिखेर चुके हैं। दोस्तों, ईशान किशन के बारे में आपकी राय क्या है? क्या ईशान किशन विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को टक्कर दे सकते हैं या नहीं? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।